तो किसका सीधा रास्ता? कुरान का, हदीस का, किसका? फरमाया सिरातल लजीना अन अमता अलैहिम, उनका सीधा रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम फरमाया है। और खुद कुरान ने कहा मिनन नबी हीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन। तू हर नमाज में कहता है अल्लाह मुझे नबियों के रास्ते पे चला, सिद्दीकों के रास्ते पे चला, शहीदों के रास्ते पे चला और अपने नेक बंदों के। ये बताएं जो बात नमाज के अंदर जायज है बाहर कैसे नाजायज हो गई? तो नमाज के अंदर तो कहता है या अल्लाह मुझे नेकों के रास्ते पे चला, बाहर निकल के कहता है मुझे आप बड़ा पता है, मैं आप ज्याणा हूं, वहां दुआ मांग रहा है। और ये बताइए जो नमाज पढ़ रहा है वो सीधे रास्ते पे नहीं? ये ना अल्लाह ने हमें नसीब किया है, ये हमारा नसीब है। अल्लाह की अलिफ से लेकर वली की ये तक हम सबको मानने वाले हैं। अल्लाह की अलिफ से लेकर वली की जगह जगह अल्लाह। तीन आयतें हो गई, चौथी आयत सुनिए, यौमा कुल्लू नासिम भी इमाम ही। अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन मैं सबको उनके इमाम के साथ खड़ा करूंगा। किसके साथ? तो जिन्हों का इमाम ही कोई नहीं वो किन नल खलोणगे जी। अल्लाह फरमाते हैं कयामत के दिन मैं सबको उनके बोले। तो जो कहते हैं कोई इमाम नहीं तो वो किसके साथ खड़ा होगा? कुरान मजीद का वाज़े हुक्म मौजूद है कयामत में हर एक को उसके इमाम। मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर इस आयत का तर्जमा क्या है? फरमाने लगे इस आयत का तर्जमा ये है कि तकलीद में मसाइले शरी में तकलीद करके इमाम बना लो और तरीकत में किसी का मुरीद होकर इमाम बना लो। ये मतलब है इसका। जितना हम जाली पीरों के खिलाफ बात करते हैं दूसरे किसी को ये तौफीक हासिल है। आप देख लें उलमा की तकरीर सुन लें, सारे सुननी उलमा। मेरे आला हजरत ने चार शर्तें लिखी हैं, ये आपने रट के जानी है आज। कितनी जी? कितनी? एक आला हजरत ने फरमाया जिस बंदे की आपने बैत करनी है उसके पास कम अज कम इतना इल्म होना चाहिए कि अपनी जरूरत का मसला खुद किताब से निकाल ले। चलिए कि बाँज इल्मों जो करे फकीरी काफर मरे दीवाना हो, पहली शर्त। दूसरा आला हजरत फरमाते एलानिया गुनाह न करे। हमारा अकीदा नहीं कि पीर मासूम होता है, वो गुनाह नहीं करता। कहते हैं एलानिया ना करे, फिस्क ना करे, उसकी दाढ़ी छोटी ना हो, नमाज का तारक ना हो, एलानिया जुर्म ना करता हो। कोई कोताही है तो अल्लाह माफ करने वाला है, उसकी तहकीक करने की हमें जरूरत नहीं। तीसरी शर्त आला हजरत ने यह लगाई है कि वो बंदा जिसके आप बहत हो रहे हैं, जिसकी तरफ आप तवज्जो कर रहे हैं, वो किसी शेख का तरबियत याफ्ता हो, ऊपर से ना गिरा हो डायरेक्ट ही, वो किसी का तरबियत याफ्ता हो। और आप फरमाते हैं चौथी शर्त यह है कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, उसका सिलसिला उसका हाथ उसके पीर के हाथ में और उसके पीर का हाथ उसके पीर के हाथ में, उसके पीर का हाथ गौसे पाक के हाथ में और गौसे आजम का हाथ मौला अली के हाथ में और मौला अली का हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में, दरमियान में से कटा हुआ सिलसिला। जिस बंदे में चार खूबियां उसके मुरीद बनो, चार खूबियां। और सेहत अकीदा फरमाते हैं सबसे जरूरी शर्त है, उसका अकीदा भी ठीक हो, ना राफजी हो ना खारजी हो, ना सहाबा को बुरा कहने वाला हो ना अहले बैत को बुरा कहने वाला हो, अकीदा उसका सही हो, ऐसे बंदे के मुरीद होने की इजाजत है। जब हमने शर्त लगा दी और एक नई दर्जनों किताबों में मौजूद है, फिर कोई बंदा झूठ बोले उठ के, झूठ बोले, झूठ। आप यकीन करें मिंबरों पे बैठ के लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं इमाम अहमद रजा ने कहा है कि कब्र को सजदा करो। जालिमों मरना नहीं, कब्र में नहीं जाना। थोड़ा सा लोगों को गुमराह करके अपनी जमात बढ़ाने के लिए इतना बड़ा जुल्म करते हो, तुम्हें पता नहीं जो किसी मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफर हो जाता है, तुम्हें पता नहीं इस बात का। कोई आप सारे उलमा के पास आने जाने वाले हैं, कभी किसी आलिम ने कहा, किसी आलिम दीन ने कभी ये बात की है कि जनाब कब्र को सजदा करो? की है कभी? झूठ बोलते हैं लोग, बदयानती करते हैं, धोखा देते हैं, जुल्म करते हैं, कभी किसी ने कहा है? और भाई अगर कोई जाहिल आदमी कोई काम कर जाता है तो वो जाहिल का जाती फेल है, वो जाहिल का। अगर कोई सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, शराब पीने लग जाता है तो आला हजरत ने उसको कहा पियो, ये उसका जाती फेल है। इसी तरह कोई अगर कड़े पहनता है, तमाशा करता है, बेहूदगी करता है तो ये उसका जाती फेल है। ये अहले सुन्नत का अकीदा हमारा, ये नजरिया हमारे। तो छोटे आलिम से लेकर आला हजरत फाजल बरेलवी तक सब ने ये लिखा है कि हम उसे वली मानते हैं जिसके एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में रसूलुल्लाह का फरमान होता है। थोड़ा परख लिया करें, थोड़ा परख लिया करें।
एक और भी शटंडबाजी शुरू हुई है, कहते मौलवी और होता है पीर। मौलवी का मतलब है आलिम, मौलवी का क्या मतलब है? उसका मतलब है जो मौलवी नहीं होता वो तो फिर जाहिल होगा ना। ये अजीब बात है। शर्त लिखी है इमाम कुशारी को पढ़े। इमाम कुशारी फरमाते हैं जाहिल वली अल्लाह नहीं होता। अगर अनपढ़ हो तो जब अल्लाह विलायत देता है साथ इल्मे लदुन्नी भी अता फरमा देता है, साथ अल्लाह मार्फत का नूर भी उसको देता है अल्लाह पाक। जाहिल जिसको पता ही नहीं रस्ते का, एक बंदे को रस्ते का ही नहीं पता, आपको कैसे वो लेकर के जाएगा उस रस्ते, जिसको खुद नहीं पता। तो जिसको दीन का शरीयत का खुद नहीं पता वो कैसे लेके जाएगा। अब मसला सबसे पहले तो ये वाजे हो गया, हम वली किसको मानते। अल्लाह तबारक व तआला ने चार किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह दे देता हजरत जिब्रील सबकी छतों पे, अल्लाह के फरिश्ते बारिश बरसाते हैं ना, किताबें भी बरस सकती थी, छतों पे गिरा देता कि लो पढ़ो। लेकिन अल्लाह ने किताबें चार भेजी, नबी 1 लाख कमोबे 24,000 अता फरमाया। फरमाया किताब पढ़नी है पर जब जलवा देखना है तो मेरे मुस्तफ़ा का देखना है, हुजूर के नूर की रोशनी में तुमने कुरान मजीद को पढ़ना है। तो भाई समझ नहीं, हमें आज तक समझ नहीं आई, आज तक कि गाड़ी का पता है कि इसकी हैंड ब्रेक कहाँ है, इसका क्लच किधर है, इसकी फलां चीज किधर है, फिर भी एक उस्ताद पैसे भी लेता है, 15 दिन साथ भी बिठाता है, फिर तरीका सिखाता है। जब एक छोटा सा काम बगैर उस्ताद के नहीं आता तो दीन बगैर उस्ताद के आ जाएगा? और दीन के मसले बारीक है, याद रखे, शैतान हमले करता है बारीक बात है। तकबर वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रियाकारी वाले की इबादत कबूल नहीं होगी, हसद वाले के अमाल जाया हो जाए, झूठ बोलने वाले को हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता। अब ये सारी चीजें जो बातनी नुक्स हैं, ये बीमारियां हैं बातन की। आप अगर दवाई ना लें तो आपके जिस्म की बीमारी नहीं जाती, दरवेश के पास ना जाएं तो आपकी रूह की बीमारी नहीं जाती। झूठ नहीं छूट सकता, बदी नहीं छूटेगी। हमने देखा है थोड़ी देर के लिए लोग मस्जिद आते हैं, नमाज शुरू करते हैं, उमरा करके आए तो शुरू हो गई, थोड़ा सा हज कर लिया शुरू हो गई, खुदा ना खास्ता घर में किसी का इंतकाल हो गया तो नमाज शुरू हो गई, तो ठीक करें। लेकिन वो बाद में छोड़ जाते हैं। कायम कौन रहता है? कायम वो रहता है जिसके पीछे कोई कायम रखने वाला होता है। मोबाइल बंद हो जाता है अगर बैटरी उसकी चार्ज, हम अल्लाह वालों के पास जाते हैं उनकी दो बातें बैटरी चार्ज कर देती है। वो हमें बताते हैं कि जीना किस तरह है, इंसानियत कैसे तुमने अपने अंदर पैदा करनी है, तुमने अल्लाह से डरना किस तरह। उनकी बातें दिलों को नरम करती, उनकी गुफ्तगू इंसान को बदल देती, उनकी सोबत में बैठने वाला बड़ा आगे जाता है। जो उनकी खिदमत आली मर्तबत में रहता है अल्लाह उसे उसी तरह का रंग अता करता है। सुने मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहि सलाम के सहाबी हजरत अबू ज़र गिफारी ने पूछा, हुजूर एक बंदा नेक लोगों से प्यार करता है पर उनकी तरह के काम नहीं करता, उसके बारे में हुक्म क्या है? कोशिश करता है पर गलती रह जाती है, पर प्यार सच्चा करता है। तो आप तरगीब तरहीब पढ़ें, मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो जिससे प्यार करेगा जन्नत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। कह रहे हैं कि हुजूर अमल नहीं करता, एक मुर्शिद कामिल। लेकिन मेरे भाई जो रब करीम के बंदे थे उनका रिश्ता इस्लाह का रिश्ता था, पीर के साथ रिश्ता इस्लाह का रिश्ता होता है। वो जो लोग रस्मी बैत करते हैं ना, ठीक है मुरीद हो गए चलो रोजी में बरकत हो जाएगी, उससे भी इनकार नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं बैत बरकत की भी बड़ी बात है, और दलील क्या है? आप फरमाते हैं अगर असहाबे काफ का कुत्ता वलियों के पास बैठ जाए अल्लाह उसे खाली नहीं रखता, तो तू वलियों से प्यार करेगा तो कैसे खाली रह जाएगा? बैत बरकत भी बड़ी बात, लेकिन जब आप मुरीद हों तो जिस मकतब में जाएं उसका सबक याद करें, जिस चीज से रोका जाए उस चीज पर। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग कहते हैं जी मार्फत क्या होती है, तो मार्फत आप कुरान मजीद का 15वां सिपारा आखिर से और 16वां सिपारा शुरू से पढ़ें, हजरत खिजर और जनाब मूसा का वाकया देखें, वो सारी मार्फत की बात ही तो है। एक बंदा कत्ल कर दिया जनाब खिजर ने, हजरत मूसा कहते हैं ये क्या किया? आप फरमाने लगे ये अपने बाप माँ के लिए तकलीफ का सबब बन जाना लिहाजा कत्ल कर दिया, बच्चों की दीवार सीधी कर दी। ये सारी तफसील कुरान मजीद में है। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये क्या? फरमाया इनका बाप बड़ा नेक आदमी था। तो भाई तफसील देखें आप, अल्लाह वालों के पास लोग जाया करते हैं, उनके पास बैठते हैं। हमारे दौर के अंदर एक बड़ा गलत काम करते हैं लोग, एक तो जाते नहीं, पीर नहीं पकड़ते,
शेख नहीं पकड़ते। और हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अगर नेकी बताने वाला तुझे कोई ना हो, तेरा पीर कोई ना हो, तो शैतान तो फिर है ही तेरे साथ, बदी पे तो वो लगाएगा ही। अगर नेकी बताने वाला कोई नहीं तो फिर बदी बताने वाला तो तेरे साथ है। हमने ये देखा है, अपनी जिंदगी का छोटा सा तजर्बा है कि जो आके मुरीद होता है वो सारा बदल जाता है। उसके लिए दाढ़ी रखना आसान हो जाता है, उसके लिए दुरूद पाक पढ़ना, चढ़ती जवानी, माल दौलत सारा कुछ, लेकिन उसके लिए तब्दील होना। और जो लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते, इस मार्फत की तरफ रुजू नहीं करते, उनकी जिंदगियां बीत जाती है वैसे के वैसे ही रहते हैं, तब्दीली नहीं आती। तो भाई इस जमाने का जुर्म पता क्या है, एक तो लोग अल्लाह वालों के पास जाते नहीं, ये बड़ी ज्यादती अपने साथ करते, और दूसरा दुश्मनी करने लगे हैं माज़ल्ला, दुश्मनी करते हैं। कहते जी वो सूफिया ने तबाही कर दी, माज़ल्ला बाबों ने तो दीन बिगाड़ दिया, ये दुश्मनी करते। इब्ने माजा सियासिता की किताब है, हजरत उमर कहते हैं मैं हुजूर के रोजे पे गया तो जनाबे माज बिन जबल हुजूर के रोजे पे बैठे रो रहे थे, तो मैंने कहा माज क्यों रो रहे हो? कहने लगे नबी पाक की एक बात ने रुला दिया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे रसूल पाक ने फरमाया दो बातें इतनी सख्त कर दी कि मैं डर रहा हूँ कहीं मुझसे ये गलती हो ना जाए। कहा वो क्या? फरमाया नबी पाक ने फरमाया छोटी सी रियाकारी भी शिर्क है, छोटा सा दिखावा भी अगरचे शिर्क असगर है पर छोटी सी रियाकारी भी शिर्क है। और दूसरा हुजूर ने फरमाया रब फरमाता है जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरा उसके खिलाफ ऐलाने जंग है, मेरा उसके खिलाफ ऐलाने। दो जुर्म ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया मैं तुमसे जंग करूंगा, एक फरमाया अगर तुम सूद नहीं छोड़ोगे तो जंग करूंगा, एक फरमाया मेरे वली से दुश्मनी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ, बोलिए मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा, अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं जंग करूंगा। तो मेरे भाई समझ ले, औलिया अल्लाह के पास नहीं जाते तो कम से कम दूर रह के प्यार तो करें, दूर रह के प्यार तो करें, प्यार तो करें उसके साथ। और अल्लाह के वलियों की दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती है। अब ये जो हजरत माज रो रहे थे ना, तो उसकी शरह में हजरत हकीमुल उम्मत ने लिखा है हजरत माज कहने लगे कि मैं रो इसलिए रहा हूं कि ऐसा ना हो कि मैं किसी बंदे की बेअदबी कर दूं और वो अल्लाह का वली हो, तो मैं रो रहा हूं कि कहीं कोई बात ना मुझसे निकल जाए। लोग फर फर बातें करते हैं, फर फर लोग एक मिनट के अंदर बड़े बड़े लंबे चौड़े इतराजात करते हैं। तो भाई अल्लाह के वलियों के साथ प्यार करें, उनकी सोहबत में जाएं, उनके पास बैठें, उनकी संगत इख्तियार करें, उनसे अपनी रूह और कल्ब के लिए दवाई खरीदें, जो वो परहेज बताएं वो परहेज करें, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाज में इत्मीनान अता करेगा, कुरान पाक में दिल लगेगा, दुरूद सलाम का मौका मिलेगा। और अगर ये काम नहीं करते फिर मुखालफत करेंगे। फिर क्या करते हैं लोग? एक बुजुर्ग गुजरे हजरत अबू सईद अब्दुल्ला उनका नाम है, बगदाद में पढ़ते थे। और खुशकिस्मती यह है कि हुजूर गौसे पाक के क्लास फैलो थे, हुजूर गौसे पाक के साथ पढ़ते। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं भी पढ़ता था तो एक बड़ा लायक स्टूडेंट था, उसका नाम था इब्ने सका, वो भी पढ़ता था। फरमाते हैं बगदाद में शोर हुआ कि एक मोहम्मद गौस नाम के बुजुर्ग आए हैं बगदाद। उनकी करामत यह है कि वो एक मिनट के लिए मौजूद होते हैं और अगले मिनट वो गायब भी हो जाते हैं। फरमाते शौक पैदा हुआ, मैं हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी और इब्ने सका हम तीनों निकले बाबा जी से मिलने। और ये आज से 1000 साल पहले की रवायत है, कहते हैं हम सबक भी पढ़ा करते थे और वलियों का दीदार भी करा करते थे, हम दीदार भी करते थे अल्लाह के वली, दोनों काम करते। फरमाते हम दोनों जब तीनों निकले ना तो इब्ने सका रस्ते में कहने लगा बड़ा वली बना फिरता है माशाल्लाह, ऐसा सवाल करूंगा उसे जवाब ही कोई नहीं आएगा। आप फरमाते हैं मैंने कहा नहीं जी मैं सवाल तो मैं भी करूंगा, सवाल तो बोलिए सवाल तो मैं भी करूंगा पर मैं देखूंगा वो जवाब क्या देते हैं, देखूंगा। कहते हम दोनों बात करके खामोश हुए तो हजरत शेख अब्दुल कादर की तरफ नजर डाली, कहा आप नहीं सवाल करेंगे? तो गौसे आजम फरमाने लगे मैं सवाल नहीं करूंगा, बस रब के बंदे का दीदार करूंगा, बस अल्लाह के बंदे का दीदार करूंगा। और फरमाते हैं कि हम पहुंचे बाबा जी के कमरे में, गए तो बाबा जी मौजूद थे, हम जाके बैठे तो बाबा जी गायब हो गए। थोड़ी देर गुजरी तो आए, सलाम के बाद पहले लफ्ज पता उनके क्या थे? कहने लगे इब्ने सका तू क्या कहता था ऐसा सवाल करूंगा जवाब नहीं आएगा, मैं तेरे अंदर से कुफर की बू देख रहा हूं, कुफर की बू देख रहा हूं, तो रब के बंदे से दुश्मनी करता है। और फरमाने लगे वो अबू अब्दुल्ला
तू कहता था कि मैं देखूंगा वो क्या जवाब देते हैं। फरमाया तू काफर तो नहीं होगा पर दुनियादार जरूर हो जाएगा। कहता फिर बाबा जी ने रुख फेरा गौसे पाक की तरफ और कहने लगे अब्दुल कादर तू कहता था मैं रब के बंदे का दीदार करने जा रहा हूँ। फरमाया जा मैं तुझे दुआ देता हूँ जब तक तेरा कदम नहीं लगेगा अल्लाह किसी को विलायत अता नहीं करेगा। जा मैं तुझे दुआ देता हूँ जब तक तेरा कदम नहीं लगेगा रब किसी को विलायत। हजरत अबू अब्दुल्ला फरमाया करते थे हम आ गए। इब्ने शका फिर ना माना कहने लगा नहीं नहीं ऐसे ही बात कर दी है इस तो कोई इल्मे गैब है माज़अल्लाह। कहते हमने देखा वो सबसे बड़ा आलिम बना मुनाजिर बना बड़ी तकरीरें करता वाजे करता। फिर वो रूम चला गया रूम के बादशाह ने उसे वजीरे औकाफ बना लिया। फिर एक दिन रूम के उस ईसाई बादशाह की बेटी उसे पसंद आ गई कहने लगा मैंने शादी करनी है। कहते हैं बादशाह कहने लगा कर दूंगा शादी पर तुझे ईसाई होना पड़ेगा। कहते हैं मारा किस्मत का माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह नकले कुफर कुफर न बादशाह ईसाई हो गए। आप फरमाते हैं मुझे भी एक बादशाह ने बुला लिया उसने मुझे भी एक ओहदा दे दिया मेरी भी दुनिया मेरे कानों तक आ गई। बड़ी जान छुड़ाता हूँ दौलत से माल से शोहरत से पर मेरी छूटती नहीं। आप फरमाते होश इस दिन आई जिस दिन बगदाद के मिंबर पर बैठकर और 70,000 के मजमे में खड़े होके गौसे आजम ने फरमाया आओ भाई जिसने विलायत लेनी है अब्दुल कादर के पास आओ मैं कदम रखता जाऊंगा अल्लाह विलायत अता करता चला जाए। आओ मेरे पास मैं विलायत देता हूँ। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दा दे आई ते मर्द नजर करे जिस वेले मुश्किल रहे ना काई। लोग दुश्मनी करते हैं अल्लाह वालों से अल्लाह मिलता है अल्लाह के बंदों से मारफत का हुसन मिलता है। अल्लाह के बंदे बैत अपनी करते हैं झुकाते अल्लाह की बारगाह अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के पास बैठने से रसूलुल्लाह का प्यार मिलता है। अल्लाह के बंदों की सोबत हुजूर के दरवाजे तक ले जाती है। रब करीम के बंदों की सोबत आजिज़ी सिखाती है। अल्लाह के बंदों के पास बैठने वाले अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं। रब करीम के बंदों के पास बैठने वालों को सजदे का नूर हासिल होता है। और मेरे भाई अगर तूने किसी के हाथ में हाथ दिया हो तो मिलेगा क्या मिलेगा क्या। ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह खड़े थे तो एक आदमी हलवाई की दुकान पे कुछ चीज लेने आया। कोई दरवेश सादा सा आदमी छोटी सी मस्जिद से निकला हलवाई से कहा दे दे हलवाई कल चल दौड़ जा तू रोज आके खड़ा हो जाता है जब सारे आते हैं तब आया कर। गरीब गाक था ना तो हलवाई ने झिड़क दिया। उस दरवेश को जोश आ गया कहने लगा मेरे साथ बदतमीजी ना करना वरना मैं तेरी दुकान उलट के रख दूंगा मैं तेरी दुकान उलट दूंगा। कहने चल दौड़ जा बड़े देखे हैं तेरी तरह के दुकान उलटने वाले। हजरत निजामुद्दीन महबूबे लाई गुजर रहे थे हलवाई की नजर पड़ी तो दौड़ के दस्तबोसी करने आया कहने लगा हुजूर अस्सलाम वालेकुम। आप फरमाने लगे इसके साथ बाद इखलाकी ना कर तेरी दुकान वाकई उलट जाएगी। कहा हुजूर किस तरह ये तो ऐसे ही सादा सा है। आप फरमाने लगे ये भी सादा है इसका पीर भी इसी तरह का है पर दादा पीर बड़ा बाकमाल है वो जिसके हाथ में उसका हाथ है वो बड़ा बाकमाल है। फरमाया वो तैयार खड़ा है वो कहता है चलो नलायक हुआ तो क्या हुआ बच्चा तो हमारा ही है ना। कह देगा तो उलट देंगे बच्चा तो हमारा ही है ना मुझे दुश्मनों न छेड़ो मेरा है कोई जहां में मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। यहाँ कोई लावारिस लोग बसते हैं खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। और इससे मुराद हर प्यार करने वाला है सिर्फ सिलसिले में आने वाला नहीं हर प्यार करने वाला कादरी। भाई समझ ले याद रखे इस बात को परखे अल्लाह वालों की सोबत तो इंसान को कमाल कर देती है वो तो नवाज देती है वो तो नूरन। एक बात और है कुछ लोग कहते हैं कितनी फरमा बरदारी करनी चाहिए पीर की। मैंने कहा वो रूहानी तबीब होता है एक डॉक्टर से दवाई ले के बंदा एक डॉक्टर से दवाई ले तो फिर साथ अगली दुकान पे भी चले जाना चाहिए क्यों जी की पता कितों राम आ जाए। एक से दवाई ली फिर साथ ही अगली दुकान पे फिर उससे अल्लाह जाने कहीं से शिफा मिल जाए किधर से शिफा मिल जाए। ओ भाई ऐसे नहीं होता दवाई तो एक हकीम से खाएगा एक डॉक्टर की खाएगा जो परहेज बताएगा वो परहेज अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो दोबारा जाएगा वो कहेगा मैंने तेरी दवाई भी बदल दिया तेरी परहेज भी बदल दी है। और एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह शिफा इंशाल्लाह शिफा। हजरत अली बिन हीती हुजूर गौसे आजम के खलीफा थे उनके मुरीद थे अली बिन जोसकी नाम था
हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला ने अपने खलीफे से मिलने आए तो आगे से उनके भी अपने मुरीद को कहा कि चल पीर साहब के कदम दबाओ। वो गौसे आजम के कदमों में बैठने की बजाय अपने पीर के कदमों में बैठ गए, दबाने लगे, डांटा कहने लगे तेरा दिमाग ठीक है, चल हुजूर गौसे आजम के कदम दबा। वो फिर उठे, घूम के फिर उनके पैरों में बैठ गए। तो हजरत अली बिन हिती ने जलाल किया, फरमाने लगे तुझे ख्याल नहीं आता मैं तो अब तुझे गौसे पाक के सुपुर्द करने वाला हूँ, तेरी ज्यादा तकमील हो जाए। जब ये बात कही तो हजरत अली बिन जोश की रो पड़े, चीखे मार के रोए। वो रोए तो गौस पाक भी रोए और फरमाने लगे अली बिन हिती इसे मुझे ना दे, ये जिस पिस्तान से दूध पीने का आदि हो गया अब इसे किसी और जगह मजा नहीं आएगा, इसे यहीं रहने दे, यहीं रहने दे। बड़ा इतराज है लोगों को बिश्ती दरवाजे पर। बिश्ती दरवाजा कहते हैं जन्नत इतनी ऊंची थी नीचे कैसे आ गई। मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं ना कुरान हदीस, जन्नत बड़ी ऊंची थी पर मेरे नबी ने फरमाया मैंने माँ के कदमों के नीचे ला के रख दिया। तुमने पढ़ी नहीं ना, असल में पढ़ी नहीं, तुम्हें क्या पता कभी किसी चीज पे इतराज। हम थोड़ा कह रहे हैं कि जो बिश्ती दरवाजे से गुजर गया एक फजीलत ही है ना जी, एक हर मस्जिद जन्नत है कि नहीं। बोले हुजूर ने फरमाया जन्नत की क्यारियों के पास से गुजरो तो कुछ खा लिया करो, जब हर मस्जिद जन्नत है तो बाबा फरीद की मस्जिद जन्नत क्यों नहीं हो सकती। अजीब चक्कर है। और बंदे भी कहते हैं वो जी फलाना गया था तो कहता मैं जन्नती हूँ, भाई किसने कहा। बल्कि एक बड़ी आला हजरत के एक मुरीद हुए मौलाना हशमत अली खान साहब, हजरत मौलाना हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ना पाक पतन से वापस आ रहे थे तो बस की छत पे बैठे थे। कहते रस्ते में ना एक दो बंदा आ गया जिसको तनकीद की आदत थी अल्लाह वालों पर, मुझे कहने लगा मौली कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा पाक पतन शरीफ से, पाक पतन से। कहने लगे मेरे कपड़े सूंघने लगा। कहने लगा बिश्ती दरवाजा गुजरे हो। मैंने कहा गुजरा हूं। तो कहने लगे फिर जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। नबी पाक ने तो फरमाया था कि 500 साल जन्नती दूर होगा तो उसकी खुशबू आएगी, तुमसे नहीं आ रही। मौलाना बड़े हाजिर दिमाग थे, कहने लगे एक हदीस पढ़िया जरा दूसरी भी पढ़ लेनी थी। नबी पाक ने फरमाया जहन्नमी को जन्नत की खुशबू कोई नहीं आएगी। एक ही पढ़ी है तूने, अगली भी पढ़ लेनी थी। कहते वो बंदा कहने लगा रोको बस मुझे नीचे उतार दो, ये तो कोई तगड़ा बंदा ही जवाब देने वाला आ गया। एक ही पढ़ी है हदीस तूने, से अगली नहीं पढ़ी। शेख की खिदमत, शेख की खिदमत नवाज देती है। और फिर एक और बात, मेरे हजरत साहब तो हद करते हैं, एक जुमले में समो देते हैं समुंदर। किसी ने कहा हजरत जी सारी जिंदगी बंदा किसी की खिदमत करता रहे अल्लाह का बंदा समझ के वो अंदर से जल ही निकल आए तो फिर आप फरमाने लगे हमने बंदे की खिदमत नहीं की अल्लाह के बंदे की है, तो अजर किसने देना है। बोले अव्वल तो ऐसा होता नहीं, अव्वल तो ऐसा तलब पैदा करो। आज लोगों में तलब नहीं, कहते बड़ियां जगह ज्ञान मिले कुछ नहीं। मैं कहते रहते तलब नहीं पाई, तलब हो तो खाने का मजा। आला हजरत फाजल बरेलवी का पीर खाना मारा शरीफ, वहां के एक बुजुर्ग थे आले मोहम्मद उनका नाम था, उनके पास एक बंदा आ गया पढ़ा पढ़ा लिखा बड़ा सियाना। कहने लगा बाबा मैंने बड़ी खान का है, बड़े आस्थाने देखे, पीर कोई नहीं मिला। आप मुस्कुराए, आप फरमाने लगे तेरी नीयत ही नहीं थी पीर पकड़ने की, इरादा ही कोई नहीं तेरा, तेरा प्रोग्राम नहीं था। वरना तो बड़े बड़े कामल लोग हैं, तेरे अंदर तलब ही नहीं, अंदर कुछ है खाली होगी तो कोई मार्फत का नूर आएगा, तू खुद भरा हुआ है। कहने लगा जी बड़ी तलब है। आप फरमाने लगे तुझे कहा है ना कोई नहीं। लगा हुजूर है। आप फरमाने लगे चलो रात सो जाओ, खानकाह पे सवेरे बात करेंगे। मुरीद को कहने लगे इसे 5 किलो मछली दो अच्छी बना के। मुरीदों ने मछली दे दी, पानी कोई नहीं दिया, सारी रात तड़पता रहा और बाहर से कुंडी भी लगा दी। सवेरे हजरत आले अहमद आए, दरवाजा खोला, कदमों पे गिरा, कहने लगा हजरत जी पानी, हजरत जी पानी, पानी पानी। आप फरमाने लगे सलाम तो ले ले पहले। कहने लगा नहीं हुजूर पानी पानी। आप फरमाने लगे बता मछली क्या कहा। हुजूर पहले पानी, पहले पानी। हजरत ने एक जुमला कहा, रब के बंदों की एक बात कमाल कर देती है। फरमाया पता चला तलब क्या होती है, पता चला तलब क्या होती है। कहने लगा सोने लग पता गया है क्या होती है, लग पता गया है। आपने पानी भी पिलाया, मुरीद भी किया, और जब सीने से लगाया तो फरमाया जा तूने तलब पैदा की थी, मैंने रब के फजल से तुझे फैज दिया है। कहते वहां बैठे बैठे काले रंग का था, अल्लाह ने गोरा रंग बना दिया, नौरानियत छलकने लगी वहां बैठे बैठे, बैठे बैठे ही कमाल हो। तो याद रखें अगर बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब के मुरीद थे। मैंने कल जुमे में कहा था ख्वाजा साहब की आंखें बड़ी प्यारी, आप कुएं पे पानी लेने जाते थे, एक औरत आशिक हो गई। आपने फरमाया मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे पीर ने कहा है कि मेरी इज्जत का ख्याल रखना। कहने लगी तेरी आंख बड़ी प्यारी है सीधी, मुझे सोने नहीं देती।
ख्वाजा साहब ने छुरी लेके आंख ही निकाल दी। फरमाया उसके रस्ते में मैं किसी शय को रुकावट नहीं बनने दे सकता, आंख रुकावट है तो हो गई। कहते रात को पैर दबा रहा था तो ख्वाजा कुतुब साहब ने कहा ये क्या किया है, अर्ज की हुजूर रुकावट बन रही थी। कहते हैं ख्वाजा साहब ने दुआ मांगी, फिर अपना थूक जुबान से लगा के लगाया और कहने लगे ए अल्लाह उस मुस्तफा के सदके जो अली को लवाब लगाए तो तू शिफा देता है, मेरे फरीद को भी शिफा दे दे। कहते हैं दुआ की तो हजरत बाबा साहब कहते हैं मेरी आंख पहले से भी ज्यादा रोशन हो गई। बाबा फरीद साहब को ना भेजा ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने, कहा जाओ जाओ। और एक बात और भी याद, बाबा फरीद साहब का नाम सुना है आपने जी? उस दौर में किसी ऐसे मौलवी का भी नाम सुना है जिसने बाबा साहब के दौर में हो पीरी मुरीदी को नाम मानता और बड़ी तबलीग की हो, सुना है कभी? किधर गए वो जो कहते हम शुरू से हैं? दाता साहब के जमाने में कोई बंदा और सुना जो लाहौर आया हो? सारा कुछ किया इन लोगों ने, आज लोग अपने खाते में डालने में तो लाए। और 1000 साल हो गया दाता साहब को, कहते हैं पीरी मुरीदी कल शुरू हुई है। ओ खुदा के बंदो तुम्हारे तो बड़े भी पैदा नहीं हुए थे जब से ये सिलसिला चल रहा है, तुम कहते हो कल शुरू हुई है, सोच के तो बात करनी चाहिए। आम दाम बरसरे मतलब। बाबा साहब को ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने भेजा, कहने लगे मेरे लिए ना मुझे तबीयत नहीं ठीक तो ये एक पुड़िया बना के ला पंसारी से दवाई, उस जमान जैसे आज मेडिकल स्टोर होते हैं। कहते मैं पंसारी के पास नुस्खा लेके गया तो पंसारी दवाइयां निकालते निकालते ना शोर होने लगा, बुजुर्ग आ गए बुजुर्ग आ गए बुजुर्ग आ गए, लोग उठ के सारे दौड़ गए। तो मैंने पंसारी भागने लगा तो मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहने लगा एक बुजुर्ग आए हैं और उनका ख्याल है जो मेरी ज्यारत करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करेगा, अल्लाह उसे जन्नत देगा, तो ये उनका दावा है। तो सारी दुनिया ज्यारत कर रही है, चलो अल्लाह का बंदा है तू भी आ जा कर ले। बाबा साहब कहने लगे नहीं तुम करो मैंने नहीं करनी। आप कहते हैं मैं दुकान में छुप गया, समझ आ रही है बात की? मैं दुकान में वो ज्यारत लोग चले गए तो वापस आया पंसारी दवाई दी। कहते हैं मैं दवाई लेके ख्वाजा कुतुब साहब के पास आया तो कहने लगे फरीदुद्दीन देर क्यों लगा दी? मैंने कहा हुजूर एक बाबा आ गया था जिसका ऐलान है जो मुझे देखेगा जन्नती है, मुझे देखेगा जन्नती है। तो सारे लोग देखने लगे थे राश हो गया तो ख्वाजा कुतुब साहब आम रूटीन में बात पूछी, कहने लगे फिर तो तूने भी ज्यारत कर ली होगी जन्नती हो गया होगा। तो बाबा साहब रो पड़े, कहने लगे मैंने नहीं ज्यारत की। कहा आपने क्यों नहीं की? कहने लगे साहब मुझे तो उस जन्नत में जाना है जहां आप भी मेरे साथ हो, आप भी मेरे साथ हो, उसके साथ जाता तो पता नहीं आप कहां होते मैं कहां होता, मैं वहां जाऊंगा वो जन्नत मेरे किस कारी जिते तू नजर ना आवे, वो जन्नत मैं लख बजता जिथे सोने आवे जावे। कहा मैंने नहीं दीदार किया। ख्वाजा कुतुब साहब ने बात सुनी तो दवाई गिर गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो पगड़ी भी गिर गई, वजद हो गया। और कहने लगे फरीदुद्दीन आ जा सीने से लग जा, उसका तो दीदार करने वाले को जन्नत मिलती है, तेरी जो गली से भी गुजरेगा मेरा वादा है अल्लाह जन्नत अता फरमाए। शर्त यह है कि सच्ची तौबा करे, फिर अल्लाह का बंदा बने, फिर अपनी हुकूक उल इबाद अदा करे, अल्लाह माफ कर देगा उसकी गलती। भाई याद रख बगैर शेख के। और मिशकात पढ़िए, हुजूर ने फरमाया एक बंदे ने वुजू कराया था।